युवा कांग्रेस कार्यकर्ता योगेश गोयल को कांग्रेस पार्टी हलका पिहोवा सोशल मीडिया सेल का चेयरमैन बनाए जाने पर मनदीप चट्ठा और कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। योगेश गोयल को ये नियुक्ति दिए जाने पर शीर्ष नेताओं का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए आशा की गई कि योगेश गोयल अपनी मेहनत और लगन से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनदीप चट्ठा की टीम के कार्यकर्ताओं द्वारा योगेश गोयल को फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। योगेश गोयल की नियुक्ति पर मनदीप चट्ठा, सरदार हरमिंदर सिंह चट्ठा, दीपेंद्र हुड्डा का धन्यवाद करते हुए उनका आभार भी प्रकट किया गया। इस मौके पर मनदीप चट्ठा ने कहा कि भाजपा सरकार की असली तस्वीर जनता के सामने आ चुकी है। सबको पता चल चुका है कि भाजपा राज में नाम का विकास कार्य हो रहा है, जमीनी स्तर पर एक भी काम नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। इस मौके पर करण चट्ठा, गोपाल कौशिक, सुभाष रामगढ़ रोड, जितेंद्र बबलू, राकेश बदवार, गुरदीप कौर, सलविंदर सिंह चेयरमैन, लालचंद मांगना, श्यामलाल, कृष्ण कुमार, सुखबीर ग्रेवाल, राजा राम, अवतार सिंह, राजेंद्र कुमार, बलदेव, नवीन मलिक, मोहित राणा, उदयराम, हरि सिंह, मोहन लाल बावरा, मदन राणा, धर्मवीर, मुल्तान सिंह गांधी, राम वेदपाल, अश्विनी कुमार, राजकुमार, गुरदीप, जगजीत दीवाना, सुरेश थाना, बंटी शर्मा, राहुल शर्मा, मुकेश गौरव, शमी जांगड़ा आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले तो योगेश कुमार गोयल जी को बहुत बहुत बधाई है। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ खड़ी है। अभी बहुत सारे लोग, आप थोड़ा लेट हो गए, बहुत चले गए हैं। ये हमारे पेवा विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं आईटी सेल के, और हमें पूरा विश्वास है कि घर घर तक अब इनकी जिम्मेवारी है कांग्रेस का संदेश पहुंचाना। शहरवासियों को संदेश, जो पूरे हलके को एक ही संदेश है, सब एकजुट होकर कार्यकर्ता खड़े हैं। मैं आधे से ज्यादा हलका घूम चुका हूं, तकरीबन 40,000 वोट थी, वो 40 की 40 डटी हुई है। अब 40 से आगे कहां जाती है वो मेरे कार्यकर्ता भाई फैसला कर लेंगे कैसे करना है। आपने मनदीप जी ने और सुषमा ने जिम्मेदारी दी है, मुझे बखूबी निभाऊंगा। खबरनामा हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।